Royal salute. Slamet. Chat. Thank you.
Ready, bird. Stop. Hut. Samriddhi, bird. Salamit. Hut. Samriddhi, bird. Shok. शहीद स्मारक मंडी में आज प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के द्वारा वर्चुअल रैली के रूप में जो है इसका लोकार्पण किया है। मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके जो परिवारजन हैं उनको शक्ति मिले कि वो इस दुख में घड़ी से आगे निकल सकें। 52 ऐसे योद्धा हैं हमारे जो जिन्होंने अपने आप को इस राष्ट्र के लिए, भारत माता के लिए
कुर्बान किया है। आज इस यादगार में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने वैसे तो अपने तौर पर यह आना था, लेकिन कोरोना की वजह से इस सारा कार्यक्रम जो है हमें वर्चुअल रैली के रूप में करना पड़ा। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है हम आगे भी जहां आज 26 जुलाई को हम कारगिल की शहादत के रूप में मनाते हैं, विजय के रूप में मनाते हैं, वहीं 15 दिसंबर 1971 की जो युद्ध हुआ था, जो भारतवर्ष और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और 15 दिसंबर की तारीख जो है उस दिन पाकिस्तान के 91,000 अधिकारियों ने, जीएसओ ने और उनके सैनिकों ने भारतीय वीर सेना के आगे आत्मसमर्पण किया था। पूर्वी पाकिस्तान जो है वो पूर्वी पाकिस्तान में रह करके आज का वर्तमान का बांग्लादेश बना था, तो हम 15 दिसंबर को भी निश्चित तौर पे उसको भी हम एक विजय दिवस के रूप में जो है आने वाले समय मनाएंगे। उसी प्रकार से 1965 की लड़ाई है उसको भी, 1962 की लड़ाई है उसको भी हम मनाने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का कि सेना में नौजवानों की भर्ती के लिए और सेना में अधिकारी बनने के लिए उन्होंने पहली मर्तबा जो है आज़ादी के उपरांत हिमाचल प्रदेश के बीच में एक प्री कोचिंग सैनिक अकेडमी की स्थापना के लिए जो है कैबिनेट से अपनी स्वीकृति दी है, और साथ में कैबिनेट द्वारा ही उसके लिए राशि भी स्वीकृत कर दी हुई है। अब वो बड़ी जल्दी ही सरकार घाट के क्षेत्र में जो है उसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, और निर्माण कार्य के साथ साथ ही वहाँ पर जो ऐसे होनहार बच्चे हैं जो गरीब परिवारों से ताल्लुक़ रखते हैं उनको फ्री कोचिंग दी जाएगी ताकि वो देश में सेनाओं में जो अधिकारी बने। ऐसे हमारे नौजवान बच्चे जो भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, सेना के बीच में सैनिक बनना चाहते हैं, उनको भी वहाँ पर कोचिंग दी जाएगी ताकि वो सेना में भर्ती होकर के जो है नाम कमाएं। उसी प्रकार से हमारी बेटियाँ, क्योंकि 50-50 का अनुपात है, तो उसी प्रकार से जो बेटियाँ हैं वो भी पीछे ना रहें, उनको भी भारतीय सेना के तीनों अंगों में उनको भी प्रशिक्षण जो है वहाँ पर दिया जाएगा ताकि वो किसी भी अंग में जो है वो सैनिक अधिकारी के रूप में जो है भारत माता की सेवा कर सके। सर, कारगिल पार्क ऊपर भी है तो उसका क्या रहेगी? 1999-2000 के बीच में जब गठबंधन की सरकार हिमाचल प्रदेश में थी, उस वक्त ऊपर भी एक 1999 कारगिल युद्ध के शहीदों के नाम पर एक पार्क बनाया गया था। उसकी शुरुआत उस वक्त के मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी ने की थी, तो वो भी ऊपर बना हुआ है उसके लिए, उसको भी हम वैसे उसको विकसित करने में अब कोई ज़्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बीच में ही उन योद्धाओं को नमन करते हुए उस पार्क का निर्माण किया। तो वो रहेगा या हटा दिया जाएगा, कुछ है प्रपोजल सरकार के पास? अभी ऐसा कुछ नहीं है, वो जब बनाया है तो रहेगा, ऐसा हटाने की कोई प्रपोजल नहीं है। जनरल सैल्यूट, जनेब फट। Thank you.
है।